हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, संडे टेरेस गार्डन ओवरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ अभी कुछ दिन से इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा उमस थी कि वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मतलब कि खड़े खड़े ही पसीने ऐसे बह रहे थे, तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती इतनी ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि आप सबको मैंने कई बार शेयर किया है कि मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों से ही मुझे जो है प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अगर मैं रहूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो जाता है। तो करीब दो दिन तक तो मेरा माइग्रेन ही रहा, और इस बीच ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो बाकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा संडे टेरेस गार्डन ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। और आज हमारे यहाँ लगभग 20 मिनट तक बारिश हुई। तो बारिश जो हुई थी उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है काफ़ी देर तक होगी, और या फिर लंबे मतलब होती ही रहेगी शायद प्रॉपर वाली। लेकिन फिर से वही कि 20 मिनट बारिश हुई है, और आज करीब ये हमारे यहाँ पर अभी दूसरी बारिश ही हुई है। हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई इतने दिन से। एक दो बारिश हुई थी, तो फर्स्ट टाइम जब हुई थी करीब वो जून में हुई थी, तो वो अच्छी बारिश थी। उस टाइम पर मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे जो है पानी मिल गया था। लेकिन उसके बाद करीब 10 दिन तक जो है बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो कुछ प्लांट में उस टाइम पर जान आ गई थी, अच्छे से हो गए थे, तो लगा शायद ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है बारिश आज आई, और शायद अगर एक दो दिन में बारिश नहीं आती तो मेरे बहुत सारे प्लांट जो है फिर से सूख जाते। क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर मतलब बारिश यहाँ नहीं आई, लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा बारिश जो है हो रही थी। तो लेकिन उस बारिश से यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आप सबको पता है कि जब बारिश होती है ना तेज़, तो उसके बाद धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकलती है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि प्लांट ना फिर से जो है बिल्कुल उनकी पत्तियाँ ना फिर से बंसी होने लगी। तो एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि क्या फिर से जो है नेट लगाएं, ग्रीन नेट, क्योंकि प्लांट्स आप देख सकते हैं कि इनकी पत्तियाँ अभी तक भी जो है बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। ये सब मेरी गर्मी वाले प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल बुरी तरह से बर्न हो गए थे, इनकी पत्तियाँ ये देखिए। तो धीरे धीरे इनमें जान तो आ रही है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और आज थोड़ी सी अच्छी बारिश हुई 20 मिनट, और उसके बाद जो है फिर से अभी तो नहीं हुई है, तो शायद अब थोड़ी सी और ठीक हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं आज आपको कुछ अपने वो प्लांट दिखाती हूँ जो थोड़े से न्यू है। तो ये देखिए ड्रेसिना है ये, और ये कितनी बुरी तरह से ये देखिए बर्न हो गए थे। तो धीरे धीरे जो है इनकी ग्रोथ अब ठीक हो रही है। देखिए नीचे से काफ़ी सारे इसमें ये बेबी प्लांट जो है निकल रहे हैं। और ये फ्रेंड्स ये देखिए मेरा एसीआईटी क्लीली, और इस पर जो है इस टाइम पर फ्लावरिंग होगी, तो वैसे तो विंटर में ही होती है इस पर, और इस बार जो है शायद इसमें अभी फ्लावरिंग होगी। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। और ये देखिए इधर ये मार्बलिस पालक जो बोलते हैं मालाबर, जिसे पोई का साग भी बोलते हैं ना बहुत से, तो ये मेरे बहुत सारे पॉट में ना इस तरह से उगा हुआ है। बहुत ही न्यूट्रिशन वाला ये होता है, इसकी साग भाजी जो भी आप बना सकते हैं। तो इसको मैं जो है रिपोर्ट करूँगी। और जो पहली बारिश हुई थी उसके बाद मेरे सारे प्लांट्स में ना फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा जो है घास उगाई, तो वो सारी मुझे जो है साफ़ करनी है। अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर बारिश स्टार्ट हो गई है तो आप भी अपने सभी प्लांट की जो है जो भी घास उसमें उगी है जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, तो वो सब जो है बिल्कुल एकदम हटा दें, क्योंकि वो आपके प्लांट के सारे न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगी। और इतनी जल्दी से अभी देखना आप कि वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी, तो आप इतनी जल्दी हमारे प्लांट्स भी नहीं बढ़ते जितनी जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ती है। तो इस टाइम पर आप ये काम ज़रूर कर लें बरसात के समय, और मतलब जो भी आपके प्लांट्स में खरपतवार यानी घास उगी हुई है उन सबको हटा दें। और मेरे प्लांट्स में भी लगभग बहुत सारी घास जो है उगी हुई है, तो मैं भी उस सबको जो है हटा दूँगी। और ये देखिए सुंदर से एडीनियम पर जो है फ्लावरिंग हो रही है, तो मेरे एडीनियम पर जो है कंटिन्यू फ्लावरिंग चल रही है। और ये देखिए ये वाले प्लांट पे तो हमेशा ही होती है, और एडीनियम तो इतनी ग्रोथ इनकी ज़्यादा हो गई है, तो आप देखिए किस तरह से ये जो है पड़े हुए हैं। तो मुझे जो है इनको ठीक से रखना होगा, क्योंकि बरसात के समय मैं इनकी कटिंग्स जो है बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा शेडी एरिया नहीं है, और क्योंकि बारिश में कटिंग करने से एडीनियम जो है
वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बारिश से जो है आप भी बारिश में जो है एडिनम की कटिंग्स को ना करें, बाकी प्लांट्स की आप कर सकते हैं कटिंग्स इस टाइम पर। अपने जो भी प्लांट्स आपके बहुत बड़े हो रहे हैं तो आप चाहें तो उनकी सेमी प्रूनिंग करें या फिर उनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे अपने बहुत सारे प्लांट्स की जो है जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ और जो थोड़े ठीक ठीक हैं उनकी सेमी प्रूनिंग। लेकिन आप जो है थोड़ी बहुत प्रूनिंग ज़रूर करें क्योंकि बारिश के समय जो उनमें जो ग्रोथ हैगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे क्या होता है जो फ्लावरिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फूल का साइज़ भी बड़ा होता है और उसका कलर भी जो है बहुत अच्छा सा होने लगता है। और ये देखिए इधर भी कितना सुंदर सा ये एडिनियम की फ्लावरिंग, तो एडिनियम पर तो कंटिन्यू फ्लावरिंग चल रही है। और आप देख नीचे देखिए, मैं अभी उधर से जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए गुलदाउदी क्राइसैंथेमम, इसकी कटिंग अभी मुझे लगानी है तो जब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये कुछ सिलोसिया के प्लांट लगाए थे, बहुत ही सुंदर मेरे जो सिलोसिया हैं उसका फ्लावर होता है। तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो में देखना, और करीब 6 महीने तक मेरा ये 6 महीने से भी शायद ज़्यादा ही इसका फूल जो है मेरे इन प्लांट्स पर रहता है। तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, और मैंने जब भी उसका मैं वीडियो बनाती थी तो मैं ये ज़रूर शेयर करती थी कि ये वही मेरे मतलब वो वाले सिलोसिया हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये मेरा मालाबर जो पालक होता है यानी कि जिसे पोई का साग भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत सारे मेरे प्लांट्स में कभी मैंने करीब ये 3 साल पहले ग्रो किया था तो उसके शीट्स जो है कहीं ना कहीं रह गए होंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये सब जगह जो है उग रहा है। तो कुछ कुछ तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है क्योंकि इसको मतलब खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आप भी इसको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो वो शीट देखिए आप कि 3 साल पहले ग्रो किया था, तो 2 साल जब हम कहीं और रहे थे वहाँ पानी ख़राब था तो ये बिल्कुल भी नहीं उगे कहीं पर भी शीट, कोई शीट मेरा उस टाइम पर जर्मिनेट नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद जो है ये लगभग मेरे बहुत सारे पॉट में जो है जर्मिनेट हो गए हैं। और ये देखिए मेरा धतूरे का प्लांट, इस पर भी लगभग फ्लावरिंग चल रही है। तो मैंने इसको देखिए कटिंग कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। कुछ प्लांट ना जैसे जंगली जो होते हैं ना ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ये मैंने लगाया हुआ है। और जब इस पर फूल खिलता है तो मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊँगी, मतलब खिला है तो है, तो फर्स्ट टाइम तो चढ़ा दिया था और उसके बाद तो अभी नहीं चढ़ाया। तो अब सावन आ रहा है तो जब सावन में इस पर फ्लावरिंग होगी तो हम मतलब कि इसके फूल तोड़ूंगी और मैं चढ़ा दूंगी भगवान के लिए। बहुत ही सुंदर होते हैं धतूरे के फूल, बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन इसके सीड्स और इसके फ्लावर भी काफ़ी गंदी सी एक अजीब सी स्मेल सी आती है हाथ में। तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर का भी दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। और इधर वैसे कुछ खास नहीं है, तो ये वाला तो आपने देखा ही है। ये देखिए मेरे ये मेरी टर्टल वाइन, तो ये भी बहुत मुश्किल से इस बार बची है। और ये वाली जो मेरी मनी प्लांट है ना, ये देखिए मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। और आप इसके ना ये देखिए इसके पत्ते देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े ना फैल गए हैं। ये इसलिए क्योंकि दीवार के सहारे ऐसे ही पड़ी रहती है। और ये देखिए इतना ज़्यादा बड़ा है ना क्योंकि दीवार के सहारे ना ये ऐसे ही पड़ी रहती है, तो इसको ना वहाँ से ठंडाई सी मिलती रहती है। और ये मेरा गॉम फ्री ना, और ये देखिए कितने सारे ये सूरजमुखी के जो है बेबी प्लांट निकल गए हैं और इन सबको मुझे रिपोर्ट करना है। तो आज प्रोफेसर जी ने और मैंने अभी मिलके बहुत सारे बालसम लगाए हैं। मेरे सारे लगभग पॉट में ना बालसम बालसम उगे हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद है जो बालसम मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैंने वो वाले ये देखिए जैसे कि ये इसमें उगाए ना, तो कुछ तो हमने उन्हीं पॉट में छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक उगे हैं। अब जैसे कि ये इसमें निकला है तो इसको मैंने नहीं निकाला, लेकिन जो एक साथ मतलब जिसमें दूसरा प्लांट था वो उसमें निकला, तो वो मैंने जो है निकाल के दूसरी इसमें रिपोर्ट कर दिया है। और इधर ये पर्सलिन और फॉर्टूला का ये सारा, और ये वाले मैंने इसका शेयर किया था तो ये बहुत ही सुंदर वाले फॉर्टूला का और पर्सलिन निकले डिफरेंट टाइप के। तो मैं एक वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि इसके फूल दिन में ही खिलते हैं फ्रेंड्स, और उस टाइम पर टेरेस पर आना पॉसिबल नहीं होता, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और ये प्लांट जो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया मुझे वो भाभी जी ने दिया था, ये देखिए इस तरह से अब ये स्टेबल हो गया है। और ये देखिए इसके पीछे से इस तरह से पत्ती होती है, बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स आते हैं। और ये वही वाला हिबिस्कस है, और ये वो सिलोसिया जो मैं वहाँ से लेके आई थी। तो और इधर मेरे ये
वनरिंग ड्यून जो मैंने बास्केट में लगाया था। तो अभी इनकी छोटी छोटी कटिंग्स आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी कटिंग इस टाइम पर जो है चल जाएगी। जो भी आप इस टाइम पर कोई बास्केट रेडी करना चाहते हैं तो छोटी छोटी कटिंग्स ले लें और उनको लगा लें। तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग लेकर के जो है लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये लालसा और ये वाला बालसम देखिए, ये भी इसी में निकला। तो बालसम सब में लगभग ऐसे ही निकले हुए हैं, बस हमने उनको रिपोर्ट किया है कुछ को। और ये देखिए, ये सदाबहार इसमें निकला हुआ है पिंक कलर का, बहुत ही सुंदर से लगते हैं, हमेशा फूल देते हैं। और ये मेरे क्राइसैंथेमम, तो इन सब की कटिंग अब लगानी है क्योंकि हम लोग बारिश का ही वेट कर रहे थे और यहाँ पर प्रॉपर बारिश हो तो लगाएं। और ये देखिए, आज प्रोफेसर जी ने ये पोर्टोलाका के लिए एक इस तरह से बनाया है। तो अभी इस पर मैं कटिंग करके ना कुछ पोर्टोलाका को लगाएंगे और जब वो ठीक से हो जाएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए शताब्री, तो इधर ये अभी मंगाया था इसका प्लांट और इस तरह से इसको लगाया है। और ये है मेरा टर्टल वाइन का हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग पॉट, तो इसने लगा दी थी और ये देखिए नीचे तक इस तरह से फैल गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो आज सारे बालसम लगाए हैं ये। और फ्रेंड्स हाँ, ये प्लांट तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, ये देखिए ये वाला ना एक नया प्लांट है हमारे यहाँ। तो प्रोफेसर जी को अभी एक साल पहले इसकी कटिंग किसी ने दी थी, अगर आपको किसी को इसी का नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए इस तरह से आप देख लीजिए, ये इसके फूल हैं और ये कुछ इस तरह से आए हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना इस तरह से, और सभी में ऐसे आए हुए हैं। तो इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता और प्रोफेसर जी को भी नहीं पता। ये देखिए आप इसको ढंग से देख लो और इसकी पत्ती, और प्लीज़ किसी को इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और कुछ प्लांट की सेटिंग भी चेंज की है, ये देखिए इधर रख दिए ये मैंने, और ये सुंदर सा फूल अलमंडा पर फिर से खिला है। और ये देखिए ये सारे बालसम हमने लगाए हैं। तो ये सारे जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये खुद ही बनाए हैं अभी, और एक तो प्रोफेसर जी ने ऐसे ही रहने दिया, उसमें नहीं लगाया, और ये सारे मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिए क्योंकि बालसम इतनी ज़्यादा संख्या में हमेशा निकल जाते हैं तो मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं होता, तो मैं उनको ऐसे ही लगाती हूँ। तो आप देख रहे हो पीछे जो सदाबहार रखे हुए हैं ये भी मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं, और ये वाले जो हैं ये भी ऐसे ही लगाए हुए हैं। और ये देखिए इधर ये इस तरह से, और आज मेरी इस वाटर लिली पर भी सुंदर सा फूल खिला था, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ये बंद हो जाता है, ये देखिए। और ये कल सुबह फिर खिल जाएगा, काफ़ी दिन तक ये ऐसे ही चलता है। तो इसी कलर का खिला है लेकिन अभी तक, और दूसरे कलर का नहीं खिला। और ये देखिए 4 o'clock पर कितना सुंदर सा फूल है, वेरीगेटेड है ये। तो मेरे पास जो 4 o'clock हैं वो सारे वेरीगेटेड ही खिलते हैं, कभी पिंक और येलो, रेड, एक पूरा पिंक भी खिलता है। और ये देखिए नाग चंपा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ना, पूरा जो प्लांट है वो भरा हुआ है, ये देखिए किस तरह से ना पूरा, तो मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ अभी, ऐसा बहुत ज़्यादा जो है फूलों से पूरा भरा हुआ है। और एक इधर वाला जो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी वो वाला भी देखिए कितना ज़्यादा ये बड़ा हो गया ना, और इस पर भी फ्लावरिंग। और इधर मेरे रोज़ भी अब चल गए हैं, और ये मेरा रियो प्लांट भी अब धीरे धीरे जो है रिकवर हो रहा है। इसमें जो है चिड़िया ने घोंसला बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पानी देना बंद कर दिया था। और ये देखिए पर्पल हार्ट कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी कटिंग से, छोटी छोटी कटिंग से आप इस टाइम पर अच्छे बास्केट रेडी कर सकते हैं, इनकी कटिंग्स को आप लगा लीजिए। और ये देखिए मेरा बेबी सनरोज, इसकी कटिंग मैंने अभी लगाई है पर पता नहीं थोड़ी सी अच्छी सी नहीं हुई, हो सकता है कि धूप ज़्यादा तेज़ थी तो इस टाइम पर ना हुई हो। और इधर ये मेरे सकुलेंट्स रखे हुए हैं, देखिए फ्रेंड्स इतने सारे, तो इनको बहुत मुश्किल से बचा के रखा है कि इनको बारिश ना लगे, ये देखिए। तो और ये सुंदर सी फ्लावरिंग मेरे पेंटास, कई बार क्या वीडियो बनाते बनाते ना नाम भी भूल जाते हैं। तो और ये वाले जो प्लांट्स आप सारे देख रहे हैं ये सारे फ्रेंड्स जो है निकाल करके रखे हैं ताकि इनको भी थोड़ा थोड़ा, ये सारे कालांचो हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा पानी मिले। और ये मेरे वो वाले प्लेडियम हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन मंगाए थे, मैंने वीडियो शेयर किया था। और ये देखिए ये 2 लीव्स जो हैं इसमें निकली हैं, बाकी पुरानी थी और ये वाली जो है बिल्कुल न्यू है निकली, कितनी सुंदर है ना। तो बहुत ही सुंदर सा ये लग रहा है, और अब मैं इसको अच्छे से और ठीक से सेट करूँगी। और इस वाले में भी देखिए 2-3 लीव्स जो है निकली हैं, तो एक एक दो दो ट्रू लीव्स जो है सभी में निकल गई हैं। और ये देखिए मैंने आपसे शेयर भी किए थे ये सारे प्लांट कि थोड़े डिफरेंट टाइप की मैंने इस बार जो है क्लेडियम मंगाए हैं, और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। और इधर ये सारे मेरे वाइट कनेर,
रेड कनेर और इधर ये येलो कनेर। अभी यहाँ बारिश तेज़ आई थी तो सारे प्लांट जो है बिल्कुल नीचे डाउन पड़े हुए हैं। ये देखिए बारिश की बूंदें भी आपको दिख रही होंगी ना, तो इस तरह से सारे जो है नीचे पड़े हुए हैं। और इधर ये मैंने थोड़े जेड प्लांट रख दिए थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारे जेड प्लांट रेडी किए हुए हैं और अब नहीं करूँगी। और ये देखिए चीकू के प्लांट में ये कॉस्मस का प्लांट उगाया और सुंदर से फूल इस पर खिलते हैं, तो अभी बंद हो गए हैं ये। बहुत ही सुंदर इस टाइम पर इन पर फ्लावरिंग चल रही है और ये पोर्शन कुछ इस तरह से। तो अगर अब यहाँ पर प्रॉपर बारिश रही फ्रेंड्स, तो अब मैं कटिंग्स लगाऊंगी और बहुत सारे प्लांट की प्रूनिंग करनी है, किसी की हार्ड प्रूनिंग, किसी की सेमी प्रूनिंग। तो देखते हैं बारिश का अभी क्या है, क्योंकि अभी तो प्रॉपर कह ही नहीं सकते। और ये चंपा जिसकी कटिंग लगाई थी छोटी सी, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये प्लांट, तो बहुत आसानी से हो जाता है ये भी कटिंग से, आप इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए, और ये मेरा मालाबार पाला का प्लांट कितना सुंदर हो रहा है। वैसे भी अगर आप इसे यूज़ ना करें लेकिन देखने में भी सुंदर होता है, तो जैसे हम मनी प्लांट लगाते हैं उसके पत्ते भी सुंदर लगते हैं, ये भी एकदम सुंदर सा अलग सा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये भी, तो आप इसे लगा सकते हैं, दोनों ही काम में आता है। ये देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में तो ये फुल न्यूट्रिशन वाला है ही। और इधर ये देखिए इस तरह से जेड प्लांट रखे हुए हैं, कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं और अब देखेंगे कि कटिंग्स जो है हो जाएंगी क्या। ये कुछ कटिंग्स जो हैं इधर रखी हुई हैं और एक कटिंग्स इधर लगाई थी कनेर की, ये रेड कनेर है, भाभी जी ने दिया था। और ये देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इसे लगाई भी अभी मुझे लग रहा है 8 ही दिन हुए हैं, तो इसमें भी न्यू पत्ते जो है निकल गए हैं। और इधर बस इतना ही है, तो बाकी वीडियो तो सब बाद में बनाऊंगी फ्रेंड्स, और थोड़ा सा आज टाइम भी नहीं मिल पाया। और ये देखिए मेरा चांदनी का प्लांट धीरे 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 इसकी पत्ती भी ग्रीन हो रही हैं। और बस इधर तो यही वाले हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मेरा टिकोमा और ये मेरा मिनी मोगरा, इसमें भी बिल्कुल मोगरी की तरह ही खुशबू आती है। देखिए कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग हो रही है, और अभी एक टाइम पहले से पूरा जो है फूलों से भरा हुआ था और अब धीरे 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 जो है इसकी फ्लावरिंग कम हो गई है, तो अब मैं इसकी सेमी प्रूनिंग कर दूँगी, मतलब हार्ड प्रूनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि ये बुशी ही अच्छा लगता है झाड़ी की तरह। तो धीरे धीरे थोड़ी सी इसकी जो है सेमी प्रूनिंग करूँगी। और इधर ये सारे बोगन बिलिया, एमरेलिस लीली और डे लीली में फिर से देखिए आज भी फूल खिला हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर सा। और बस ये इसका लास्ट फूल था, करीब एक महीने से मेरे डे लीली पर फ्लावरिंग चल रही थी, तो ये इसकी लास्ट वाली बर्ड थी जो आज खिल चुकी है। और अब इसको मैं नीचे से यहाँ से बिल्कुल कट कर दूँगी क्योंकि अब इसमें नेक्स्ट ईयर ही फूल खिलेंगे, तो अब इसकी स्टिक को नीचे से काट देंगे, नहीं तो फिर ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे प्लांट से और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब फूल खिल जाए तो उसके बाद नीचे से इसकी जो स्टिक है इसको पूरा कट कर देंगे। और ये देखिए इधर मेरा अजवाइन का प्लांट, और ये देखिए चंपा में भी थोड़ी फ्लावरिंग जो है फिर से हुई है, और अब इसके फूल भी मैं काट दूंगी पूरे क्योंकि अब ये पूरा खिल चुके हैं और एक्स्ट्रा जो है ये भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्लांट से। और इधर थोड़ा सा ये प्लांट का नज़ारा, और इसका नाम भी मुझे नहीं पता, इसमें ये कुछ इस तरह से ये देखिए लीव आती है बिल्कुल वाइट और इसके साथ ये पत्ते फूल खिलते हैं, तो इसका एक बार मैंने वीडियो शेयर किया था। इसी तरह से हमेशा जब फूल खिलता है ना वाइट कलर की एक लीव्स इसके साथ होती है। तो रात भी हो गई है और ये देखिए ये वाली मेरी मार्बल मनी प्लांट भी जो है थोड़ी थोड़ी सी ठीक हो रही है, और ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसके पत्ते ठीक होने लगे हैं। और इधर ये मेरे स्नेक प्लांट्स का थोड़ा सा जो दूसरे हाइब्रिड वाले होते हैं, और देसी वाले तो मैंने निकाल के, ये देखिए सामने देख रहे होंगे ना आपको ये बड़े बड़े, ये अभी मैंने निकाल के अंदर इंडोर रखे हुए थे, तो बहुत सारे प्लांट को निकाल करके बाहर रखा है। और यहाँ ये सारे कुछ ऐसे ही हैं, ये सिंगोनियम क्लेडियम सब में जो है थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इधर लेमन ग्रास और ये मेरे क्रोटोन भी अब थोड़े थोड़े से सही हो गए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा वीडियो आज मैंने नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि आज थोड़ा सा काम था और मेरे को अभी दूसरा काम करना है, तो मेरा माइंड उसमें ही जा रहा है। और ये देखिए ये अभी ये भी फूल खिल के पूरा सा 1 महीने लगभग हो गए इसको खिले हुए, तो अब इसको मैं यहाँ से पूरा कट कर दूँगी क्योंकि अभी फूल सूख चुके हैं। और इधर थोड़ा सा ये वाला कलेक्शन भी देखिए क्लेडियम का सुंदर सा। तो बस फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आज बस ऐसे ही वीडियो है थोड़ा सा, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब उसमें शेयर करेंगे कि कटिंग्स कैसे लगानी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और बहुत सारे प्रूनिंग के बारे में कि किस तरह प्रूनिंग करनी है, कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।